पूरे 27 कट लगने के बाद अक्षय कुमार की OMG 2 मूवी को रिलीज कर दिया गया है और इस मूवी को ए सर्टिफिकेट मिला है, जिसका मतलब ये होता है कि इस मूवी को बच्चे नहीं देख सकते हैं। मतलब अगर आप 18 प्लस हो तभी आप इस मूवी को देख सकते हो, नहीं तो आप इस मूवी को नहीं देख सकते हो। अब 18 प्लस का टैग सुनने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि इस मूवी में कुछ ऐसा दिखाया गया है जिसमें हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया हो, और जिस वजह से आप ये सोच रहे होगा कि आप इस मूवी को नहीं देखोगे। मतलब कुछ लोग ऐसे मान रहे होंगे कि ये मूवी उनकी आस्था को मजाक उड़ाएगी, इसीलिए वो लोग इस मूवी को अवॉइड करेंगे और नहीं देखेंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको ये सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि मूवी की स्टोरी आखिर है क्या और वो हमें क्या बताना चाह रही है। आप लोग टेंशन नहीं लेना, मैं ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन हाँ जितना ट्रेलर में बताया गया है मैं उसी हिसाब से आपको स्टोरी बताऊंगा ताकि आप डिसाइड कर सको कि आपको ये मूवी देखना है या फिर नहीं देखना है। तो देखो होता क्या है कि पंकज त्रिपाठी के बेटे का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें स्कूल में वो मास्टरबेशन कर रहा होता है। अब जिस वजह से स्कूल से उसको निकाल दिया जाता है, अब उसको स्कूल से नहीं निकाल दिया जाए इसीलिए पंकज त्रिपाठी कोर्ट का सहारा लेते हैं, और इस बात पे चर्चा कोर्ट में होती है कि पंकज त्रिपाठी के बेटे ने जो किया है वो सही है या फिर गलत है, और अगर वो सही है तो किस तरह से सही है और गलत है तो किस तरह से गलत है। अब इसी के बीच में थोड़ा भगवान वाला एंगल भी लाया गया है जिसमें हमें अक्षय कुमार पायल तो लॉर्ड शिवा कैरेक्टर में दिखने वाले थे, लेकिन सेंसर बोर्ड के बीच में आने की वजह से उनके कैरेक्टर में थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है, जिसके बाद मूवी में उनको इस तरह से दिखाया गया है कि वो शंकर भगवान नहीं बल्कि वो उनके भेजे हुए दूत है। ओवरऑल मूवी की स्टोरी यही है और मैं इससे ज्यादा बता नहीं पाऊंगा आपको, क्योंकि अगर मैं इससे ज्यादा कुछ बता दूंगा तो आपके लिए ये मूवी स्पॉइल हो जाएगी और फिर आपको ये मूवी देखने में मजा नहीं आएगा। हाँ, तो जिस तरह से इस मूवी में कोर्ट रूम ड्रामा दिखाया गया है वो बहुत ही ज्यादा लाजवाब तरह से दिखाया गया है, जिसको देखकर आप काफी ज्यादा एंजॉय करोगे, और जिस तरह से इस मूवी में कॉमेडी और सीरियसनेस का तड़का लाया गया है वो काफी ज्यादा बैलेंस है। मतलब आपको कहीं पर भी ये देख के नहीं लगेगा कि यार कॉमेडी ज्यादा हो रहा है, या फिर आप ये भी नहीं सोचोगे कि ये मूवी काफी ज्यादा सीरियस हो रही है। आप जब इस मूवी को देखने के लिए बैठोगे तो फुल ऑन इस मूवी को एंजॉय करोगे, आपको ये मूवी कहीं पर भी बोर नहीं करेगी, क्योंकि इस मूवी में जो एक्टर्स हैं वो काफी ज्यादा बेहतरीन एक्टर हैं, जिनकी इस मूवी में एक्टिंग काफी ज्यादा जबरदस्त है। मुझे इस मूवी में स्पेशली पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर काफी ज्यादा पसंद आया, और जिस तरह से वो कोर्ट रूम में अपने तड़प पितर को रखते हैं सचमुच उनके कैरेक्टर से आप लोगों को प्यार हो जाएगा। अब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं तो इस मूवी का सिर्फ तारीफ ही कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है, मूवी में कुछ कमियां भी थी जो कि मैं आपको अभी गिनाऊंगा। इस मूवी का जो फर्स्ट हाफ है वो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा, लेकिन उस फर्स्ट हाफ में जो हमें मास्टरबेशन वाला सीन दिखाया गया है, लेकिन उसमें जो मास्टरबेशन करने का जो रीजन बताया गया है ना, वो मुझे काफी ज्यादा लेम लगा, और उसके जगह कोई और रीजन हो सकता था। लेकिन अभी जो रीजन दिखाया गया है जिसमें ऐसा बताया गया है कि अगर कोई लड़की आपके साथ डांस नहीं करती है तो ये रीजन है उस बंदे का मास्टरबेशन करने के लिए, मैं इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ, मुझे ये रीजन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसके जगह पर कोई और अच्छा रीजन हो सकता था। दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट है इस मूवी के लिए वो ये है कि इसका फर्स्ट हाफ आप बिल्कुल भी फैमिली के साथ नहीं देख सकते हो। मतलब उसमें जिस तरह की चीजें दिखाई गई है ना वो काफी वोक है, जो कि आप लोगों को तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो अपने फैमिली के साथ वो सारे सीन नहीं देख सकता हूँ। बाकी हाँ, मूवी में 27 कट लगने के बावजूद इस मूवी में जिस तरह से शंकर भगवान को दिखाया गया है, जिस तरह से अक्षय कुमार के कैरेक्टर को दिखाया गया है, मतलब जैसे कि हम सब जानते हैं कि लास्ट में तो एक शंकर भगवान वाला लुक होगा ही अक्षय कुमार का, जो कि काफी इम्पैक्टफुल होगा, तो अक्षय कुमार के उस लुक को दिखाने का जो रीजन था ना वो मुझे काफी अच्छा लगा, जिसमें हमें ऐसा दिखाया गया है कि शिवजी का भेजा हुआ दूध भी शिवजी का ही अंश है। मतलब शिवजी का भेजा हुआ दूध भी शिवजी ही है। इसके अलावा अगर आप सोच रहे हो कि इस मूवी में अक्षय कुमार होने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अक्षय कुमार तो इस मूवी में है लेकिन उनका रोल ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी उनका रोल दिखाया गया है वो काफी इम्पैक्टफुल है, और उन सभी सीन को देखकर आप काफी फील गुड करते हो। इसके अलावा ये क्या ये मूवी किसी भी धर्म को मजाक उड़ाती है या फिर नहीं, तो देखो इस मूवी को देखने के बाद मैं साफ तौर पर ये कह सकता हूं कि नहीं, ये मूवी किसी भी धर्म का मजाक नहीं उड़ाती है। हाँ, लेकिन इस मूवी में हिंदू धर्म के कुछ पुराने ग्रंथों या किताबों से कुछ लाइंस बोले गए हैं जो कि उस सीन में जरा से भी बुरे नहीं लगते हैं। इनफैक्ट आप उस सीन को देखने के बाद हिंदू होने पर प्राउड करोगे। तो इसीलिए अगर आप इस मूवी को सिर्फ इस वजह से नहीं देखने के लिए जा रहे थे कि इस मूवी में हिंदी देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया है, तो भाई आप बिल्कुल ही गलत हो। ऐसा कुछ भी नहीं है इस मूवी में। आप जब इस मूवी को देखने के लिए बैठोगे ना, तो आप खुद ही समझ जाओगे कि इस मूवी का मैसेज ही कुछ और है, और जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा वो इस मूवी के डायरेक्शन को ही कहीं और मोड़ रहे थे। ओवरऑल मैं बस इतना ही कहूंगा कि मुझे ये मूवी काफी पसंद आई, क्योंकि इस मूवी में जिस तरह से बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग का इस्तेमाल किया गया है भाई, वो आपको काफी पसंद आएगी। इसीलिए अगर आप इस मूवी को देखने के लिए जाए तो आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा, आपको ये मूवी फुल ऑन एंटरटेन करेगी, और इसके अलावा आप जब इस मूवी को देखकर निकलोगे तो आप कुछ अच्छी बातें सीख कर निकलोगे। बाकी इसके अलावा मैंने डॉन 3 मूवी के ऊपर भी बात किया है, तो अगर आपने मेरी वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पे टैप करके वो वीडियो को देख सकते हो। इसी के साथ आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।